दीपक मोबाइल हैकिंग की दुनिया के उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी तादाद हमारे देश में अच्छी खासी है। वो कुछ ही सेकंडों में आपके मोबाइल से किसी को भी एसएमएस कर सकता है, आपके रिश्तों में उलटफेर कर सकता है, बिना आपके मोबाइल को हाथ लगाए, फिर चाहे वो बंद ही क्यों ना हो, वो आपकी दुनिया बदल सकता है। जी हाँ, बगैर आपका मोबाइल छुए दीपक उससे किसी को भी कभी भी एसएमएस कर सकता है। चाहे तो बिगड़ी बातों को बना सकता है और चाहे तो बनी बनाई बातें बिगाड़ सकता है। 21 साल के दीपक की पढ़ाई कर रहा सीधा साधा दिखने वाला ये लड़का तकनीक का बड़ा खिलाड़ी है। आप इसे बेशक न जानते हैं, लेकिन एक बार दीपक को अगर आपका मोबाइल नंबर पता चल जाए तो वो गजब ढा सकता है। बस एक एसएमएस ही काफी है आपके दोस्तों रिश्तेदारों को नाराज या खुश करने के लिए। हमने भी जब दीपक के बारे में सुना तो हैरान रह गए। उसका दावा वाकई चौंकाने वाला था, लिहाजा हमने उसे परखने की कोशिश की। मेरे साथ बैठे हैं दीपक, जिनका ये दावा है कि वो किसी के भी नंबर से किसी को भी एसएमएस भेज सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं मेरे सहयोगी अनिल। मैं अपने मोबाइल जिसका नंबर है 981131 उसको मैं अभी ऑफ कर रहा हूं आप लोगों के सामने, और अब मेरे मोबाइल नंबर से दीपक अनिल को एसएमएस भेजेंगे जबकि मेरा मोबाइल बंद है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो एसएमएस मेरे नंबर से दीपक ने अपने कंप्यूटर से अनिल को भेजा था वो अनिल के नंबर पे है, लेकिन नंबर उसमें मेरा डिस्प्ले हो रहा है। और अगर अनिल मुझसे दूर बैठे होंगे तो यही समझेंगे कि एसएमएस मैंने किया है, यानी बड़ी आसानी से किसी को भी किसी के नंबर से एसएमएस भेजा जा सकता है। तो मैसेज आपको टाइप करना होता है, मैसेज के साथ साथ सेंडर का आईडी टाइप करना होता है और जो रिसीव करेगा डेस्टिनेशन नंबर आपको टाइप करना होता है। आप उसे टाइप करके ओके कर देंगे तो डेस्टिनेशन नंबर में आप जो आईडी डाले होंगे वो आईडी शो करेगा। बिना किसी झिझक के चल रही ये उंगलियां किसी भी वक्त तूफान खड़ा कर सकती हैं। नेता के मोबाइल से अभिनेता को मैसेज भेज सकती हैं और अपराधी के मोबाइल से किसी हीरोइन को धमकी भी मिल सकती है। नेता की माने तो तकनीक के गलत इस्तेमाल को रोकने की नियत से ही उड़ीसा दिल्ली आई। कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जहां इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो उसके साथ उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है ये आपके सामने लाना हमारा मकसद था। तो आप जब भी मोबाइल यूज करें सावधान रहें।